राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। और बताइए आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स, ज़रूर बताना कमेंट्स करके। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ स्पेशल लेके आई हूँ जो कि मैं अपने बच्चों के लंच में रखने वाली हूँ, तो कुछ स्पेशल सा हो जाए। तो ये है फ्रेंड्स पनीर, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है। एक्चुअली मैं जो दूध था वो फट गया था, उसका ही हमने पनीर बना लिया है। तो काफ़ी अच्छा और बहुत ही खाने में डिसेंट बना हुआ है, तो उसी को बच्चों को भी पसंद आ गया था, तो उसी से बोला कि सुबह मॉर्निंग में हमारे लंच में पनीर के पराठे रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये है, देखिए पनीर मैंने घिया कस कर लिया है काफ़ी, मतलब तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या क्या मिलाएंगे। तो बच्चे जा रहे हैं नाश्ते में, यहाँ थोड़ी सी मैंने डाल दी है लाल मिर्च, और थोड़े चटपटे बनाने हैं तो यहाँ इसमें डाल दिया है नमक। तो नमक मैं जो पनीर है उसके अकॉर्डिंग ही डालूँगी। और यहाँ देखिए चाट मसाला बच्चों ने कर दिया है ख़त्म, तो हमने डाल दिया है थोड़ा सा जो चौबीजी का मसाला है उसको डाल दिया है, और थोड़ा सा रखा हुआ था धनिया। तो बच्चों को धनिया ज़्यादा पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा ही धनिया डालूँगी जो कि टेस्ट के लिए, जिससे कि पराठा अच्छा लगे। तो जो धनिया होता है हरा धनिया, उससे थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। जो चीज़ फीकी सी लगती है उससे ना एकदम मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर नमक, मिर्च और थोड़ा सा चौबीजी का मसाला और थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया, उसको अच्छे से मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है। और यहाँ बता दूँ फ्रेंड्स, जो पनीर होता है उसमें बहुत जल्दी नमक तेज़ हो जाता है, तो मैंने हल्का सा ही नमक डाला है। और यहाँ देखिए अब पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं हमने। तो ये पराठे हमारे लेके जाएंगे यहाँ सॉस से, तो यहाँ अचार वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं। तो मैंने खूब सारा पनीर पराठे में भर के और अच्छे से यहाँ देखिए ऐसे कर लूँगी हाथ से, जिससे कि पराठा फटे ना। तो मैं हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ हथेली से, और यहाँ देखिए अब धीरे हाथ से मैं पराठे को बेलूँगी और इसे सिम गैस पर ही सेकूँगी। तो देखते रहिए फ्रेंड आप लोग किस तरीके से बनाती हूँ मैं।